Good afternoon, everyone. I'm here to take an interview of Prakhar Bansal, a student from Civil Engineering second year. He's here to give his views on the root cause of corruption. I think the root cause is the sab chalta hai attitude. People don't think of anything. They just don't give a damn to any corruption or anything. The desire to gain things at any cost. Everyone wants to gain things. Whatever they want, like there is no lack of accountability in the people, yes. Lack of morality in the people, yes. And lack of simplicity. आपको कुछ भी काम करवाना है तो आपको हर जगह इस देश वाले लोग जरूरत है। जो देश में इतना फैला हुआ करप्शन है उसमें छोटा हिस्सा हमारा भी होता है। एक्चुअली अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें सही भी लगता है। अगर हम करप्शन नहीं करेंगे तो हम लोग का ही फाइनली हम लोग का ही लॉस होगा, हम लोग का टाइम जाएगा, हम लोग का काम जाएगा। नहीं, मैं तो आज तक कभी किसी को मतलब मम्मी पापा कभी देते हुए भी नहीं देखा। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा मम्मी पापा को नहीं देखा। आप पहले इंसान है जो ये कह रहे हैं करप्शन है। हाँ, घूस पहला घूस दिए भाई, लाइसेंस बनाने के लिए घूस दिए। अरे सर अभी वो सर को पास होने के लिए घूस दी थी यार। अरे कैड में सर को कितने रुपए दिए थे? कैड में रुपए दिए थे यार, रुपए पास होने के लिए। दैट्स घूस है। जब हासिल ऐसा आता है ना तो आप पे लालच है ना, बढ़ता जाता ऐसी बात है। मतलब पैसा होता है सब कुछ, पैसे की पावर है ये। इन द एंड इफ यू वांट आवर वर्क टू बी डन वी वुडंट माइंड, लाइक यू नो इफ लाइक यू नो बिट ऑफ मनी इज गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट्स, इफ वी आर गेटिंग अ बिट ऑफ प्रॉफिट, लाइक यू नो दैट हैज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ड्राइव दैट इज गोइंग इन द प्रॉफिट दैट इज कमिंग। वी शुड एज जो लोग मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं पीछे जाके वो लोग ही इन सबको करते हैं। एक बार अगर कुछ गलत करते नहीं ना तो फील नहीं होता कि कुछ गलत किया। तो जब एक बार गलती हो गई तो अब तो सुधार लेंगे। सो आपको कैसा लगता है कि हाउ कैन यू रिमूव दिस फ्रॉम द सिस्टम, कैसे रिमूव किया जाए? इट कांट रिमूव इजीली फ्रॉम आवर सिस्टम बिकॉज़ ये जो है एक बहुत अंदर तक फैल चुका है। हमारे सारे पॉलिटिशियंस, पूरा कंट्री एक तरह से करप्शन में इन्वॉल्वड है। First thing is that we have to be proper ourselves. If you are wearing a helmet, you are carrying a license, then no police man can ask you for a bribe. But if we are wrong in our part, then I think definitely we'll have to bribe and get out of it. And once we bribe, it becomes a habit. So first thing. सबसे बड़ी बात है अगर आपको कुछ करना है तो lecture देने से या फिर strikes करने से या फिर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। हर इंसान को एक खुद को चेंज करना होता है सबसे पहले। हम सही नेता नहीं चुन पाते हैं और ये आज के ज़माने में कि सही कौन है ये पहचान करना मुश्किल है। आज के ज़माने में मनी इज प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द लाइफ। मनी एवरीथिंग, जो अमीर है उसे भी पैसे की ज़रूरत है, जो गरीब है उसे भी पैसे की ज़रूरत है। ठीक, इंडिया विल बी करप्शन फ्री ओनली व्हेन पीपल हैव पेशेंस टू स्टैंड इन लाइंस पासपोर्ट ऑफिसर्स एंड दे हैव पेशेंस टू मेरे हिसाब से जो करप्शन और इसका जो भी रीज़न होता है वो होता है एक पर्सनल अपना फ़ायदा। अगर जो अपने आप को रोक सकता है, अगर हर इंसान अपने आप को रोक ले, दूसरे हर कोई यही बहाना देता है कि नहीं दूसरा कर रहा है इसलिए मैं करता हूँ, अगर यही मेंटेलिटी चेंज हो जाए मे बी करप्शन काफ़ी। I don't know exactly what we should do, but I think we should do more checking and everything but how can you check video cameras and everything? Kya aapko lagta hai NRI ka local bill is corruption mein kuch fark padta hai? I think kuch fark dal sakta hai lekin wahi baat hai, jab tak jad se in sab cheezon ko khatam nahi kiya jayega itne aur jad se jad nahi upar level se itna itni easily isko hatana bahut mushkil hai। Using this corruption and using this bad things we have to change it, means हमें पावर का ही यूज करके हमें उतना ही उनके जितना ही बुरा करके उन्हें अच्छा करना है।